अगर गौमूत्र पीने से और गाय का गोबर खाने से अगर बीमारियां ठीक होती तो शायद हॉस्पिटल्स की ज़रूरत ही नहीं होती। आप एक काम करिए, हॉस्पिटल्स बंद कर दीजिए और आप गायों के तबेले में वहाँ पे बेड्स लगवा दीजिए, वहाँ लोग गौमूत्र पीते रहेंगे, वहाँ गोबर खाते रहेंगे और बीमारियां ठीक होती रहेंगी। हम कौन सी सदी में हैं, हम किस तरह की बातें कर रहे हैं? आपको लगता है कि ये देश कहीं भी आगे जा रहा है? आगे नहीं जा रहा ये देश, ये 50 मैं कहती हूँ 100 साल से भी पीछे चला गया है। आप किस तरह की बातें करने लग गए? 100 साल पहले भी औषधियाँ बनाई जाती थी, तभी भी जड़ी बूटियाँ इस्तेमाल की जाती थी किसी भी बीमारी को ठीक करने के लिए। आप आज हर चीज़ को लेकर, चाहे वो कैंसर हो, चाहे आप किसी भी बीमारी की बात करिए, कोरोना वायरस जैसी बीमारी की भी आप बात करते हैं, तो बीजेपी के कितने सारे विधायक हैं, एक असम से एक कोई थी जिनका मैंने वीडियो देखा था, जो ये लिटरली बोल रही थी कि चाइना में मोदी जी को जाके बोलना चाहिए कि उनको गोबर के हवन करने चाहिए, उनको गौमूत्र पीना चाहिए। ये किस तरह की, आपको मालूम है हम अपनी आने वाली जनरेशन को किस तरह के मैसेज दे रहे हैं? हम उन्हें ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि आप बड़े होकर डॉक्टर मत बनिएगा, आप गाय का तबेला खोल लेना, क्योंकि वहाँ पर आपको दूध भी मिलेगा, गोबर भी मिलेगा और आपको गौमूत्र भी मिलेगा, उससे आप खाते पीते भी रहना और आप बीमारियाँ भी ठीक। बीजेपी की सांसद है प्रज्ञा ठाकुर, करी मेरा कैंसर ठीक हो गया गोबर से या उससे गौमूत्र से? उन्होंने उनके कुछ भी कहने से, वो तो ये भी कहती है कि वो टेरर एक्यूज नहीं है, वो तो ये भी कहती है कि वो बिल्कुल जो हेमंत करकरे जी हैं उनके शाप से मरे हैं। मुझे सचमुच कभी कभी लगता है कि ये इन लोगों को साइकाइट्रिस्ट के पास जाना चाहिए। ये लोग साइकोज हैं, ये लोग पागल हैं, ये पागलों जैसी बातें करते हैं। हमें ना अब हंसी भी नहीं आती ऐसी बातों पर, मुझे गुस्सा आता है ऐसी बात। क्या लगता है ये कितना बाह्यत तर्क होगा या ये सटीक है? वो कह रहे साइंस, जब पूरी दुनिया कोरोना वायरस की दवाई नहीं खोज पा रही है, ये कह रहे गौमूत्र सटीक हो जाएगा। मैं आपको यही बोल रही हूँ कि आप पूरी दुनिया में अपना मजाक उड़वा रहे हो इस तरह की बातें करके। अभी ये जो इन्होंने यहाँ रैली करी है, जो यहाँ पर ये चल रहा था, वहाँ पर लिटरली आपको पता है गौमूत्र पिलाया गया है, वहाँ लोग पी रहे हैं गौमूत्र, वहाँ गोबर खा रहे हैं। आई मीन किस तरह, क्या है, क्या बना दिया आपने इस देश को? आप तरक्की की तरफ, आप साइंस टेक्नोलॉजी की तरफ जाने की बजाय आप इस देश को एक्चुअली गोबर ही बना रहे हो, आप इस देश को गोबर के अंदर धकेलते जा रहे हो। हम पिछले 6 साल से सिर्फ और सिर्फ गोबर गौमूत्र, इसके आगे और कुछ बात ही नहीं करते हैं, यही बातें चलती रहती हैं यहाँ पर। और इस तरह के लोग, मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी कि इस तरह से एक्चुअली वो लोग बैठ के ये सब करेंगे कि वो गौमूत्र पिलाएंगे और वो गोबर खिलाएंगे लोगों को। वो तो जो भंडारा कर रहे हैं उसमें गौमूत्र पिला के सबको सेवन करा रहे हैं। वही मैं आपको बोल रही हूँ कि क्या है ये, क्या मजाक है, आप क्या कर रहे हैं? आप मालूम है कोरोना वायरस कितना डेंजरस हो सकता है इस देश के लिए? अगर यूरोपियन कंट्रीज, अमेरिकन कंट्रीज, जहाँ पर मेडिकल फैसिलिटीज हम लोगों से ज़्यादा बेटर है, वहाँ वो लोग कंट्रोल नहीं कर पाए इस वायरस को, आपको लगता है कि इंडिया में वो कंट्रोल कर पाएंगे, जहाँ पर पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा है, जहाँ पर स्लम एरियाज हैं, जहाँ पर लोगों को अवेयरनेस नहीं है, जहाँ पर लोगों को बेसिक हाइजीन नहीं पता? आपको लगता है कि आप लोगों को गोबर और गौमूत्र जैसी बातें करके राधा देन उनको ये अवेयर कराने की ये कोरोना वायरस है क्या? चक्रपाणि जी कह रहे हैं कि जितने भी एयरपोर्ट है सब पे वहाँ पर गौमूत्र की एक, जैसे बाइन सोप होती है एक सोप लगानी चाहिए, सबको गौमूत्र पिलाना। मैंने आपको क्या बोला है, इस सरकार का बस चले तो हॉस्पिटल्स बंद करके गाय के तबेले ही खोलेंगे, वहाँ उसके नीचे बेड लगाएंगे, वहाँ गोबर भी खिलाएंगे और गौमूत्र भी पिलाएंगे। हम, मुझे सचमुच कभी कभी लगता है कि हम शायद बहुत गलत, हमारा देश बहुत गलत हाथों में आ गया है, और अगर हम जल्दी ही इन हाथों से नहीं निकले ना, तो ये जो बचा कुचा देश है वो भी बर्बाद है। ऐसी बाह्यात चीजें जब तर्क लोग देते हैं तो प्रशासन क्यों नहीं इन लोगों पे बंदी बनाता है, इनको क्यों नहीं बैन करता? क्योंकि प्रशासन खुद इन लोगों की बातों को, आप मुझे एक बात बताइए, बंदी बनाना छोड़िए, आपने उनको अलाउ कैसे किया वहाँ पर सड़क पे ये सब करने के लिए, गोबर खिलाने के लिए और गौमूत्र? ये तो एक अफवाह टाइप से है ना, लोगों को गोबर खिला जा रहा था। मैं आपको वही बोल रही हूँ, लेकिन ये हुआ और आपकी नाक के नीचे सब कुछ हो रहा है, आप उन लोगों को कुछ नहीं बोलते हैं, आप क्योंकि आप खुद उसी चीज में विश्वास रखते हैं, आपने अपने पार्लियामेंट